कुरांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार की देर रात दो सगे भाई समेत तीन युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। देर रात जब दोनों भाई अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों उन्हें ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन जब सुबह हुई तो आसपास नज़दीक चौकी पहुंचे, रायगढ़ चौकी पहुंचे, जहां पर उसी के रास्ते बेलन नदी के पुल पर तीनों युवकों की लाश मिली। डुडवाती देखकर परिजनों का बुरा हाल है। रोते बिगलते परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। घटना स्थल पर पहुंचे एसपी ओमनपाल ने कहा कि मामले की जांच के लिए टीम तैयार कर दी गई है। घटना की जानकारी पर पूरी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने कहा कि धान के कारोबार करते थे दोनों भाई, वसूली करने के लिए गए थे। दो सगे भाई समेत एक शख्स उनका साथ एक ही बाइक से वसूली करने गए थे 3 लाख, लेकिन वसूली का पैसा भी मिला यह जानकारी नहीं, लेकिन रास्ते में ही उनकी लाश मिलने की सूचना मिली। कल देर रात एक दुखद सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस को जानकारी हुई कि 3 व्यक्तियों की डेड बॉडी बेलन नदी कर बने पुल पर पाई गई है। तत्काल इस सूचना पर पुलिस बल मौके पर आया तथा कल आज जैसा कि अभी भी देखा जा सकता है और कल रात्र भी यहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं काफ़ी घना कोहरा था और यहां की मौसम जो है वो ख़राब था। तो ऐसा जो पहले जो भी पुलिसकर्मी आए थे तथा जो स्थानीय लोग भी मौजूद थे उनके द्वारा ये अंदेशा जताया गया कि घने कोहरे के कारण से बाइक किसी दुर्घटनावश इनकी मृत्यु हो गई होगी, परंतु कुछ लोगों द्वारा इसमें आपत्ति की गई तथा उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, इन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। इस संवेदनशील घटना की तहकीकात करने के लिए हम लोगों ने परिवारजनों से बातचीत की है। बॉडी को अभी पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है, जिससे कि मृत्यु के सही कारणों का पता लगाया जा सके और डॉक्टर्स की पैनल की रिपोर्ट के बाद और घर वालों के से जो भी एप्लीकेशन प्राप्त होती है सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण करा ली जाएगी। जो घर वाले हैं इनके द्वारा आर्थिक सहायता की भी मांग की जा रही थी, जिसके कारण से इनके द्वारा रोड जाम किया गया था। तो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इन लोगों से समन्वय स्थापित करके इन लोगों को कन्विंस कर लिया गया है और अब किसी प्रकार का आवागमन बाधित नहीं है।